आजमगढ़ जिले के जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के लाटगाड़ पुलिस चौकी से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर बमनौली गांव में जमीनी विवाद में मिट्टी डालने को लेकर लक्ष्मण के घर वालों ने शैलेश और उसके परिवार वालों को बुरी तरह से पीटा। पत्रकार मौके पर पहुंचकर जब शैलेश के परिवार वालों से पूछताछ किया तो शैलेश के घर वालों की औरतों ने बताया कि लक्ष्मण के घर वालों ने हमारे परिवार वालों को बुरी तरह घर के अंदर घुसकर महिलाओं को और पुरुषों को घसीट घसीट कर पीटा, जिसमें राम परवेश, रिंकू, लक्ष्मण, रिंकू का दोस्त दुर्विजय यादव, जो दूसरे गांव का यादव समाज का लड़का था, वह भी हमें मारने पीटने में शामिल था, और अपने कई दोस्तों को बुलाकर हमारे घर की औरतों को हमारे घर में घुसकर बुरी तरह मारा पीटा। और जब हम पुलिस के पास FIR करने के लिए गए, पुलिस हमारी बात नहीं सुनी और FIR दर्ज नहीं की। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि कृपया हमें इंसाफ दे। यह लक्ष्मण के घर वाले बार बार हमें जान से मारने की धमकी देते हैं और हमसे झगड़ा खोज कर बार बार हमें मारते पीटते रहते हैं। गीता नाम सर, पहले हम घर में डालने के लिए मिट्टी गिरवा रहे थे, इसके बाद वो मिट्टी टाली रोक दिया ससुर लगी तो रोक दिया, तो हमारा बच्चा दूसरे में मिट्टी गिरवाया, उसके बाद वो दरवाजे मिट्टी गिर गई, मार नहीं पाया। हम बैठ के अपने रिश्तेदारी से फ़ोन में बात कर रहे थे, बस वो लड़की हमारे सियान एक खड़ी थी हमारे पास में, बोल रहा उसका रिंकू कि तुम्हारी मैया की चौदह तो वीडियो कर रही हो, वीडियो को तो कहते चाचा हम वीडियो नहीं कर रहे हैं, बोलते चल गए घर में, तो कहता मैं अब वीडियो कर रही हूँ, तो कल करो मैंने वीडियो को, हमारा लड़का नहा रहा था बक्का कैलस कि घर में घुस के लड़की के मारने लगे, वो हमारा लड़का अभी उसके रहम कर रहा कि चाचा चाचा मेरे बहन के मत मारो, बस लड़की के छोड़ के हम के हमारे लड़का के मुगल समझ के वहाँ दरवाजे के सामने एकदम बेहोश डाल के कुल चल गए ना। वो दाई तीन औरत थी, तीन आदमी नहीं चार आदमी, उसका एक नाती था, लक्ष्मण, रिंकू, राम परवेश, CM और उसके मेहरारू का लक्ष्मण के नाम फूला, रिंकू के मेहरारू का नाम ललिता और राम परवेश के मेहरारू का नाम संजुआ। इतनी जानी हमारे घुस के घर में मारे थे, घर में से घिसरा के द्वारे तक मारे। क्यों मारे थे आप लोग को, मतलब क्या आप लोगों से जो है इनकी कोई पुरानी दुश्मनी है? कुछ नहीं दुश्मनी था, वो जब मैं आती हूँ घर बनवाती हूँ माटी गिरवा रही थी, इसके लाने वो अपने दरवाजे से टाली रोक दिया, अपने दरवाजे से टाली रोक सीधा अपने दरवाजे में टाली ले उसके पे कि क्यों लेके आ रहे हो, और मड़ाई डाला है कहा कि यहाँ से टाली मत लेके जो मार पिटा कर दिया था। हम लोग गए थे तो वो भी लाटगढ़ के पुलिस चौकी कंप्लेंट नहीं लिया, हम लोग का भगा दिया। हम रात भर तीन लड़की से यहाँ लेके लड़का लेके रात भर पुलिस चौकी में आए, यहाँ भटके थे आजम लाटघाट में रोहत गावत सुबह में सवारी मिला, हम जाके कहाँ जीनपुर में मुकदमा लिखवाया, मवाना करवाए, फिर उसके बाद घर हम लोग पहला वाला जन हमारे लड़कवा के मारे। फिर वो सुन के हमारा आदमी है ना कहा बला बला साला के शैलेशवा के बला ओके हमन मर्डर कर देवल जाए, तो हम इनके माना कहीं डर के मारे हमन के तो मार दे तू मत आइया तू मत आइया, तो बाकी कहाँ तू हमारा बस हमारा लड़की हमारा लड़का मार गए हो हम कैसे मान जाए। आए तो उनको भी उनके कुल एकदम दू अहिर राना एक इनर देव प्रधान के लड़का है आठ दलपतपुर का आठ कहाँ का रहो एयर का कहीं का हुआ ओकर नाम पिंटुआ है वो आ एक शिवचंद नाम का लड़का था वो तीन ठे मेहरारू एक घर का तीन बाप पुतू लक्ष्मण रिंकू राम परवेश सड़की पर हमारे आदमी के मारे लोग। आज जब से हमारा आदमी दौड़ रहा ना पुलिस चौकी में यहाँ सुनवाई हो रही है जीवनपुर न लाटघाट। हमारा नाम शोभा है, हम यहाँ कक्का कहें मैं सुतर लेने जा हमारे जेठान कपड़ा फिंचते रही हैं तो लक्ष्मण अला हाँ तो कहत हम कि लगना गरियावे हमारे आदमी के हमारे फसल के लगना गरियावे कहाँ गई जैसे कहीं माँ का भोसड़ा मारो कही कहाँ गई ना तब तो एयर से लड़का कुल जुट गई हैं आ दुर्विजय का लड़का दुर्विजय रहना है इंजर देव का लड़का हमके घर में से खींच के लिया के हमके मार लगना हम गया लैकन के कुलोन के मलना आ जोटा कलना आ कहता खटरा मर जत तीन कटरा सब फोड़ देना आ ई टाइप कुल जितनी झिल्ली उल्ली सब नोच देना।
कल पर कहत हम वो सड़ी बला के बला करी मैया के चेदन तो के मारा आ वो के मारा हमके घर में घीच के आज मोरे ख्याम के मौ के मना पेटे मना फिर पीटी मना आ फिर मुक्का से बांध के कपारे मना फिर हम लैका लैका कमरे उठा घर में से कुल बाहर फेंक दिया ना फिर हम लैकन के लेके लेके भगली हैं आ फिर हमारा मोबाइल छीने लगा ना मोबाइल ना देनी वही पर हमके दो तीन थप्पड़ और मरना कपारी में हमें ऐसे रहा कि हमें कुछ ना रहा ये रहा कि हम यहाँ नंदोई रहना इनका घर लादत रहा वही में आए ला साझी का तो अपन बनौनी जब खैना ना खाओ के गई ना उ लोग कहते हैं गुंडा लेके आए हम कुल हमें घर गुंडा उंडा ना आए ना बस ये है ना ये कहत हम कि करे माता रही कल से कि बाबरी कुल गुंडा लेके आए हमें गुंडा उंडा कुछ लेके ना आए हमें कर नंदोई आए ना घर लादा ला तो वे बनौनी जब खैनी जा अपन 10 बजे रात के गई ना लोग कुल कहत हम कि ना ही आई ना गुंडा आए हमारे घर गुंडा उंडा ना आए ला ये अब 100 नंबर के फोन करिए जहाँ रात 100 नंबर के फोन करिए रात 100 नंबर आई तो हमके नंबर दिया ला नंबर दिया ला तो हम फोन करिए तनि पर तो कहिए जब मार लगन तो कहिए साहब यहाँ के मम्मी के घर गुंडा हमके मारा था हम नहीं मिला है साहब हम लोग सब कुछ दब रहा हमें कुछ मिल रहा है हम बताएं कैसे क्या मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है 100 नंबर के फोन कर 100 नंबर कहते जब तुमको मार खेल तो कैसे कब उठवा भाई ना जब हम कब टूटल फटल बाकुल जुथुआ कर अब भीतर घाम के उमर साहब तो बताई पुलिस का बोलो बता पुलिस का बोलो कि इनर देखो बोला अपने मौसी के लिए क्या बोलो ये जितना वो बात बोल आ उ इनर उ पुलिस का ना कि गुड्डू के बुलावा इनर देव के बुलावा बुलावा तब एक कोनो बात होई हम लोग कोई सुनते हैं हम लोग ना एक सुनते हैं तो ई कहत हम कि तुमको जियनपुर जा लाटगढ़ तो जियनपुर जाते हैं लाटगढ़ पर सुनवाई होता ना तो कहाँ जाए बताए तो हम जाए जा आई पर जो पैसा रही तो गरीब दुखे का सब सुनने वाला है ना पैसा रही तो क्यों ना सुनने वाला गरीब के है वह अब हमारे लगे पैसा ना तो हम चार गो लैका लेके कहाँ जाए हमारे आदमी तो ना कमाए बोला कि चलो भाई हमारे आदमी कमा था चलिए हम दो चार पैसे फेंक के अपन लगा दें हमारे आदमी तो लगना के कुल कुल अपन लिया के लगाए अथवा करी अब चार लेकर के हम लेके कहाँ जाए या देखिए खबर बैल अगर रहा सरन है ना तब चार गो लेकर के जैसे नून तेल चला तो हमें बहुत है यह अब कि साहब कि हमें कुछ सुनवाई होगा कुछ सुनवाई होकर हमें अब सोती हमें अच्छा से रहें जब हमें कमाई खाई जा अब ये तरह हमें कब तक भागत मान लगे हमने भागत बेर में लैपा लैका वहीं से आ रही है कब तक लैका भागत कब तक हमें भागत रहे वह बताएं कि कैसे क्या वहाँ की तुहर का हिमा उठवा तो यहाँ तुहर का जर जमीन तुहर तुहर का ससुर सब ले वहाँ जाकर तब हमें जाकर रहते हैं जा अब ये तरह मरिया करिए ये तरह करिए जा हमें कपारे बेने लैकन कपारे फिर बेने लैकन वही कपार ये तो पीढ़ी पीढ़ी चल चल जाए हमें कुछ ना आवा हमें सास ससुर भगा के आए ना कि मैं कहना जन्म रहना वो बता दें कि हाँ कि तुमको जन्म ला आवा तो उनका दूसरे खानदान का तो हमें जहाँ का रास्ता हमें वहाँ जाकर रह जा शैलेश हमारा नाम हो ग्राम बमनौली के हम रहने वाला निवासी हूँ इंद्रदेव को लेकर आए हमारे चाचा का लड़का लक्ष्मण का लड़का राम प्रवेश और 10-15-20 आदमी लेके आया हम लोग बाहर थे रिश्तेदारी में और यहाँ लेके आया हमारे औरत को वहाँ पकड़ के मारा टंकी पे और जो है मेरी औरत ताला बंद करके रखी थी तो सोचे कि इसका आदमी और इसका लड़का घर में ढुके हुए हैं तो इसने जो है दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश किया और दरवाज़ा जब नहीं तोड़ा तो उसने जो है छोड़ करके फिर हमारी औरत को मारने लगा और मार करके के फिर वापस जो है वो सब बोले कि अगर दोबारा ऐसा तुम लोग करेगा तो तुम लोग का दोनों भाई को मार करके तुम लोग को राण बना के विधवा बना के छोड़ देंगे हम लोग हम बाहर रहता हूँ बम्बे में तो हमारे लड़के बच्चे आए थे गांव में घूमने के लिए तो गांव में घूमने के लिए आए थे तो घर बना था तो घर जो खड्ढे में था तो लड़का हमारा जो है मिट्टी गिरा रहा था तो ये लोग को बहुत जलन हो रही थी कि क्यों मिट्टी गिरा रहा है तो मिट्टी गिराने के बहाने जो है ये लोग जो है ज़बरदस्ती इसका बड़ा वाला लड़का जो रिंकू है वो जो है झूठ मूठ में आया बोला कि हमारी लड़की जो है छोटी वाली अपनी बहन से बात कर रही थी और बात करने के बाद जो है इसके इसका रिंकू का बाप और रिंकू जो है ये जो है जो वहाँ जब टाली को मिट्टी गिरा रहे थे तो वहाँ जब नहीं रोक पाए वो सब नहीं बहाना उनको मिला मारने का तो हमारे लड़की जो है अपनी बहन से बात कर रही थी तो बात करने के बहाना करके वो बोले सब कि तेरा तू वीडियो बना रही है हमारी तो मेरी लड़की बोली नहीं चाचा हम वीडियो नहीं बना रहे हैं तुम्हारी झूठ गलत फैमिली है हम वीडियो बना रहे हैं तो बोला कि नहीं तू वीडियो बना रही है रुक मैं भी वीडियो बनाता हूँ और जब वीडियो बनाने बहाना बता करके फिर मेरे लड़की को सयान लड़की को मारने लगा और जब मारने लगा तो मारते हमारे टाटी तोड़ दिया घर का और तोड़ते हुए घर में घुस गया और घर में घुसने के बाद जो है मेरे लड़की को मारने लगा तो मेरा लड़का नहा रहा था
जो नाबालिग लड़का है 15 साल का नहा रहा था, तो बोला चाचा क्यों मेरे बहन को मार रहे हो, तो बोला साले तोरे को भी मारूंगा। तो हमारे लड़की को छोड़ करके फिर हमारे लड़के को इतना मारा कि हमारा लड़का बेहोश हो गया। जब लड़का हमारा बेहोश हो गया तो औरत देख के नहीं गया तो औरत उसके ऊपर गिर गई, तो औरत बचाने लगी तो औरत को भी मारी, औरत भी मेरी यहाँ बेहोश हो गई। फिर वहाँ से औरत मेरी जो है कोई हमारा सपोर्ट नहीं किया, फिर औरत जो है हमारी लड़के बच्चे लोग को 9-10 बजे रात को पुलिस चौकी गई लाठघाट में, यहाँ वहाँ दौड़ी, पुलिस वाले जो है उसको जो है वहाँ पुलिस चौकी से भगा दिए, रिपोर्ट नहीं लिखे, अब बोले जाओ कल आना का। कल गई तो वहाँ से भी कोई कंप्लेन नहीं लिया गया। औरत हमारी वापस घूम फिर के 3-4 बार गई इधर उधर दौड़ी, कोई कंप्लेन लिया था आगे बैठ गए। फिर उसके बाद जो है हमको फ़ोन किए कि ईसा साहब कब किए हैं, तो हमको बोले कि तुम मत आओ पापा नहीं तो तुमको भी सब मारेंगे। तो मैं बोला नहीं बेटा मैं आ रहा हूँ, सबको समझा बुझा के रखूँगा। मैंने यहाँ पे आया, सबको समझाने बुझाने की कोशिश किया, जैसे बात पूछने किया वैसा हमको दरवाजे पर हमको लक्ष्मण, रिंकू, राम प्रवेश और उसकी माँ और उसकी औरत राम प्रवेश की और रिंकू की औरत सब मिल करके मेरे को दरवाजे में मारे। दरवाजे मारने के बाद जो है मैं 112 नंबर गाड़ी बनाया, 112 नंबर जब गाड़ी यहाँ आया उसने समझा बुझा करके बोला ठीक है तुम लोग अपने अपने साधन से आओ और आने के बाद जो सब कंप्लेन करो जीरपुर थाना में। हम लोग यहाँ वो सब आधा घंटा पहले हमारे उन लोगों के पास साधन था मोटरसाइकिल, वो लोग अपने साधन से गए और जाने के बाद जो है आगे जाके लोग फील्डिंग बना लिए कि मतलब जो है इसको मारना है। वहाँ पे फील्डिंग बना करके जो है वहाँ पे फतेहपुर में खड़े हो गए। हम लोग आधे घंटे बाद निकल करके, हमारे पास साधन नहीं था तो हम लोग गए रोड पे खड़ा होकर के रिक्शे का इंतजार कर रहे थे कि रिक्शा आएगा तो उसमें बैठ के हम लोग जाएंगे। उतने में लोग वापस रिटर्न आए, पुलिस की गाड़ी आगे गई रिटर्न आए। आने के बाद जो है घर पर फ़ोन किए, उन सब लोग की औरत जो है लाठी बामू जो है रास्ते में रख दिए, लाठी बामू रास्ते में रख करके जो है वहाँ से लोग घर पर आए। घर पर आने के बाद जो है हमको जैसा लगा कि ये लोग हमको मारेंगे ऐसा हमको डर लगा। डर लगने के बाद जो है हमको कुछ याद आया नहीं, मैंने जो है तुरंत साहब लोग को फ़ोन लगाया, 112 नंबर को फिर फ़ोन लगाया उनके मोबाइल नंबर पे कि साहब ये लोग हमको मारने वाले हैं। अभी जब जैसे ही मैं ऐसा फ़ोन लगा के बात ही कर रहा हूँ तब तो कुछ ने हमको दो यादव का लड़का, एक इनरदेव का लड़का दिग्विजय नाम है और एक जो है पिंटू यादव केदारनाथ का लड़का है जमीन बबनौली का, एक दलपतपुर का जो कि हमारे गाँव सभा से बाहर है दलपतपुर, वो लोग मिल करके और इसके 3 बच्चे एक नाती और 3 औरत मानो 9 आदमी मिल करके हमको सर मारे रोड पर। जब दूसरे पक्ष से इन सारे मामलों के बारे में पूछा गया तो उस घर की महिला ने इनके सारे आरोपों को झूठा बताया और कहा कि ये लोग हम पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। का नाम क्या है? फुला देवी। गांव कौन सा? बबनौली। क्यों आपने जो है उन लोगों का मारा पीटा, क्या क्या हुआ है? ये बात है नहीं बाबू कि इनके महाराज लेकिन के भेज देना, हरदम लड़ाई कर तीनों घर आने में क्यों घर से पटर इनके घर से ना रह ले कि उनका सपोर्ट दे वाला ना है। हमान के हथ के अगर के अगर साथ गोहर लेकिन का चाहे बूढ़ा का तो इस सबके सबके मारे धमकी देना। फिर सवेरे उठला बाबू 5 बजे, अब 5-4 बजे हम उठ जाए घर में से अंदर बहरे आ जाएगा। ये दुआरे हम बाबू ठड़ा हैं आ ये जगह के ना हो जहाँ सुबह संयार्थ हो तो वो पेड़ है ये भगवान झूठ मत बोल रही है वही पेड़ के लगे हंसुआ संयार के पीछे तो गरियाओ हंसुआ संयार के डब्बा के पानी धर के टटी कर जाता रहना तो वही डब्बा के पानी धर के वही से लगना गाड़ी दे हमारे लड़का है जैसे लगाना। लेकिन उन लोगों का ऐसा कहना है कि आप लोग इनको जो है मारे पीटे हैं, आप लोग जो है और बार बार इनको आप लोग जो है मारते पीटते हैं। ना ही साहेब, वो खुदा शेर हम दोनों भाई खुदा शेर हम सुनिए देखी यहाँ सुबह चलाओ ना लड़का इतना उठ के कहना तो ढेर दिमाग खराब है। पंचायत बटोल पंचायत के ना मानबा, थाना पुलिस के ना मानबा, भाई बाप के ना जानबा तो तू भतीजा कौन रंग कहवा? ऐसा तो समझ चाहिए ना आप लोगों के ऊपर ऐसा भी आरोप लगा रहा है कि आप लोग जो है बाहर से हंसू वीडियो ले लें गुंडा मंगा के आप लोग इनको मारते पीटते हैं। ना साहेब, उनके घर खुद गुंडा आया था रोज, उनके घर खुद गुंडा आया था उनका नाती बहन वही लेके समझे नहीं बाबू। तो ये जो कि दूसरे काम का कोई जो है यादव आके उन लोग को ना ही भाई यादव तो दूसरे गांव का ना के हुआ वेला तो झूठ बोला था लोग एक बाद ये माला साथी व्यवहारी हम इनके घर वाला आया वो लड़का तीन घर में आ गए ना वो लड़का से पैसा ले ले हम दुश्मन तो है तबन फंसा था वाह चला ठीक है ये देखिए सुबह। अच्छा बताइए क्या सच्चाई है? सच्चाई बाबू हम ये चाहते हैं कि जब हो गए आपसे तू अपने अपने घर कमा खा हमारे बाल बच्चे अपने घर कमा खा इन के डर से हमारे माल लड़का बच्चा सब भगल हैं कि वो घर ना रहते हैं ये अपने आप ही सब काम करके लगा था हमारे लड़कन के समझे नहीं अब वो को वीडियो बना लिया अपने हाथों के बाद तोड़ कर नहीं तोड़ करना है।